नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 7 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा ट्रेनों का रिमॉडलिंग का काम, एक महीने तक 60 ट्रेनें रद्द। पुल गिरने के दोषी पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई, नीतीश सरकार कराएगी जांच। राजस्व परिषद भेजे गए के पाठक, एक महीने में 2 बार हुआ तबादला। दिल्ली पहुंचते ही इंडियन क्रिकेट टीम का हुआ भव्य स्वागत। बिहार के भागलपुर में जल्द शुरू होगा हवाई सेवा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पुल गिरने के दोषी पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई, नीतीश सरकार करवाएगी जांच। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं के बाद अब नीतीश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा पुलों के क्षतिग्रस्त होने के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए उड़नदस्ता से जाँच कराई जाएगी। वहीं टूटे पुलों की जगह नए ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा और अन्य जर्जर पुलों का निरीक्षण कर उसकी जगह भी नए पुल बनाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र में जाकर पुराने पुलों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी लें। साथ ही निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। बिहार के भागलपुर में जल्द शुरू होगा हवाई सेवा। बिहार के भागलपुर में एयर सेवा शुरू करने के लिए काफी समय से केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा काम किया जा रहा है। भागलपुर की जनता भी जिले में हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार कर रही है। इसी बीच नीतीश सरकार के श्रम संसाधन विभाग सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने भागलपुर हवाई अड्डा को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान हवाई अड्डा से 35-36 सीटर कनेक्टिंग फ्लाइट उड़ाने की योजना बनाई गई है और इसे लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वो खुद करेंगे। मंत्री संतोष कुमार सिंह के अनुसार 4 से 5 महीने में भागलपुर में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। 7 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा ट्रेनों का रिमॉडलिंग का काम, एक महीने तक 60 ट्रेनें रद्द। ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए 7 जुलाई से 5 अगस्त तक मुरादाबाद लखनऊ रूट पर रोजा में यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से मुरादाबाद रूट की 60 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिस वजह से इस रूट की 96 ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। 52 मेल एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 7 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं 13 को रेगुलेट, 6 को सर्ट टर्मिनेट और 6 ट्रेनों का रीशेड्यूलिंग किया गया है। इस वजह से ट्रेन यात्रियों को एक महीने परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दानापुर दिया का खुला पीपा पुल, 7 पंचायतों से टूटा संपर्क। दानापुर दियारा का पीपा पुल लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पुल के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह आवागमन करते हैं, लेकिन पटना और दानापुर के इलाकों में तेज बारिश के कारण इसे हर साल की तरह खोल दिया गया है। इस वजह से 7 पंचायतों का संपर्क शहर से पूरी तरह टूट चुका है। अब लोगों के आने जाने के लिए केवल एक नाव ही सहारा बचा है, जिसकी मदद से लोग गंगा नदी पार करते हैं। दियारा के लोगों ने बताया है कि गंगा के जलस्तर में अभी वृद्धि नहीं हुई है और संवेदकों ने पुल खोल दिया। पुल के खुल जाने से 7 पंचायतों के लोगों को शहर जाने के लिए केवल नाव का सहारा लेना पड़ता है। इससे बीमार बच्चे, महिला, बुजुर्ग और विकलांगों की परेशानी खास तौर पर बढ़ जाती है। राजस्व परिषद भेजे गए के पाठक, एक महीने में 2 बार हुआ तबादला। शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर सुर्खियों में है। एक महीने के अंदर के पाठक का दूसरी बार तबादला कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के SCS के पद पर ज्वाइनिंग नहीं की थी और अभी तक छुट्टी पर ही चल रहे थे। इस बीच एक बार फिर उनकी पोस्टिंग बदल दी गई है और उन्हें राजस्व परिषद के अध्यक्ष से सदस्य के पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही बीपार्ट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बिहार में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। बिहार में मॉनसून के आते ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। कोसी और सीमांचल के इलाकों में नदियां उफान पर है। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से सुपौल, सहरसा, खगड़िया में कटाव तेज होने लगा है। कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर बरारी और मनिहारी में बढ़ रहा है और पूर्णिया के 82 के परमान नदी का जलस्तर लाल निशान के ऊपर बह रहा है। तो वहीं कनकई नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के साथ 46.390 मीटर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से बेहद करीब है। वहीं जलस्तर के बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में गाँवों की आबादी को अभी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। बिहार का एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम बन गया वाटर पार्क, जिला प्रशासन पर उठ रहे सवाल।
बिहार के नवादा शहर में मौजूद बिहार के एकमात्र क्रिकेट स्टेडियम हरिश्चंद्र स्टेडियम में लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भर जाने की वजह से खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को भी पहली बारिश से ही स्टेडियम के 80% भाग में पानी भर चुका है और अब तक जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्टेडियम के नज़ारे का फोटो और वीडियो शहरवासी सोशल मीडिया पर डालकर ट्रोल कर रहे हैं और जिला प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पेट्रोल पंप व्यवसायियों को अब नहीं करना होगा वैट रिटर्न दाखिल। बिहार सरकार द्वारा वैट कानून में संशोधन करते हुए पेट्रोल उत्पादकों के व्यवसायियों को राहत दी गई है। बिहार में अब पेट्रोल पंप व्यवसायियों को वैट रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ेगा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य कर मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दी गई है। बता दें कि राज्य में डीजल पेट्रोल नेचुरल गैस व एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की देयता इनकी प्रथम बिक्री यानी तेल कंपनियों पर ही बनती है। इस वजह से पेट्रोल डीजल पंप वालों से वैट नहीं लिया जाता है, मगर फिर भी वैट अधिनियम के तहत पेट्रोल पंप व्यवसायियों को अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, सीबीआई को मिली बड़ी सफलता। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक और सफलता हाथ लगी है। चिंटू और मुकेश से हुए पूछताछ में जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद अमन सिंह नामक एक और आरोपी को सीबीआई द्वारा झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आरोपी अमन पेपर लीक मामले में आरोपित रॉकी के साथ मिलकर काम करता था। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का सरकारी स्कूल से कटेगा नाम, शिक्षा विभाग का आदेश। अब राज्य में प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का भी आधार सीडिंग कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा इससे संबंधित निर्देश बुधवार को सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। निर्देश में राज्य में 6 से 16 वर्ष के सभी बच्चे जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार अब अगर कोई बच्चा निजी एवं सरकारी स्कूलों में नामांकित है तो उस परिस्थिति में सरकारी विद्यालय से उसका नाम हटा दिया जाएगा। बिहार में पुल गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। पिछले 2 साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से छोटे बड़े सभी पुलों के गिरने की घटना की जाँच करने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर सकती है। मुजफ्फरपुर के बाद अब शिवहर में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संसद सत्र के दौरान दिए गए अपने एक बयान की वजह से राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। संसद सत्र के दौरान हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद अब शिवहर में भी राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। परिवादी द्वारा राहुल गांधी के ऊपर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है और कोर्ट से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रशांत किशोर ने देश के मुस्लिमों को दिया खास संदेश। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सुपौल के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुस्लिम समुदाय से आग्रह करते हुए कहा है कि आप अपनी पहचान खुद बनाइए, तब जाकर आपका भला होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं उस पर आपने अपने घरों में खुशियां मनाई होंगी, लेकिन इससे आपको क्या मिला। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आप समाज में अस्तित्व पैदा नहीं कीजिएगा तब तक कोई भला होने वाला नहीं है। कुकृत्यों पर पीएमसीएम की चुप्पी, तेजस्वी का डबल इंजन सरकार पर तंज। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला अभी तक जारी है। बीते 24 घंटे में सिवान और सारण में 6 पुलों के ध्वस्त होने की खबर आ चुकी है। पिछले 15 दिनों में राज्य में 12 पुल गिर चुके हैं। पुलों के गिरने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। वहीं एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पुल गिरने को लेकर डबल इंजन सरकार पर हमला किया है। तेजस्वी ने कहा है कि 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक और पुल गिरा और कल 3 जुलाई को अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। तंज कसते हुए तेजस्वी ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। दिल्ली पहुंचते ही इंडियन क्रिकेट टीम का हुआ भव्य स्वागत। T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन भारतीय टीम आज गुरुवार की सुबह दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भारतीय टीम का फैंस द्वारा शानदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। वहीं इस बीच फैंस को देखकर विराट कोहली का रिएक्शन वायरल हो रहा है।
बस में बैठे हुए विराट जैसे ही स्वागत में खड़े फैंस को देखते हैं, वो उत्सुकता से ताली मारकर दूसरे खिलाड़ियों को भी दिखाने लगते हैं। बता दें कि आज भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। वहीं आज शाम भारतीय टीम मुंबई में एक रोड शो में शामिल होगी। उसके पश्चात वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वरुण कुमार, छोटू राजा, गोनर शर्मा, कन्हैया कुमार, नुन्नू गोपाल कुमार, जितेंद्र कुमार सहनी, जितेंद्र ठाकुर, अनवर करीम खान, बाबुल मरांडी, कौशलेंद्र कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद रजा, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, मोहम्मद असगर कमाल, मुन्ना प्रसाद, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मानसून की बारिश हो रही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।